नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं। पहले ग्लोबल नेता बने हैं पीएम मोदी ऐसे जिन्हें 20 मिलियन लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पर। दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी ने पछाड़ दिया है। लोकप्रियता के मामले में दुनिया में शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी ने अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे पहले ऐसे नेता बन गए हैं, या फिर यूं कहे ऐसे लौते नेता बन गए हैं जिनके YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आसान शब्दों में समझे तो पीएम मोदी के YouTube चैनल पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और इस YouTube चैनल पर पीएम मोदी के संबोधनों की वीडियोस अपलोड की जाती है, साथ ही लाइव प्रसारण भी इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। पीएम मोदी देश दुनिया में जहां भी किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं वहां का संबोधन इस चैनल पर देखने और सुनने को मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ना केवल लोकप्रियता के मामले में बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम नेताओं को पछाड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। और वो ये कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर जो उन्हें लोग फॉलो करते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या 20 मिलियंस के पार पहुंच गई है। वही दिल्ली में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। युवाओं के मार्च पास्ट को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और युवाओं के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाई। बता दें कि इस दिन को चिन्हित करने के लिए सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के साहस की कहानी के बारे में शिक्षित करने के लिए पूरे देश में भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों की जीवन कहानी और बलिदान का विवरण देने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में प्रदर्शित की जाएगी, जिसके जरिए जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शनी देख पाएंगे। तो साहिबजादों की जीवन कहानी और बलिदान का विवरण देने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में लगाई जाएगी, जिसके जरिए जो प्रदर्शित हैं कहानियां वो वहां पर दिखाई जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि साहिबजादों की जीवन की जो कहानी रही, किस तरह उन्होंने बलिदान दिया, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, ये सारी की सारी कहानी उस डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए लोगों को दिखाई जाएगी। समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा कि देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हो। एक समर्थ और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। वहीं राजनाथ सिंह का लाल सागर में हमले पर बयान सामने आया। भारत ने मामले को गंभीरता से लिया है, हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय नौसेना ने निगरानी बढ़ा दी है, समुद्र तल से भी ढूंढ निकालेंगे जो भी आरोपी होगा।
तो राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया। लाल सागर हमले को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। आज आईएनएस इम्फाल की कमिश्निंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमिश्निंग भारत की नौ सैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आईएनएस इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के चार बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुरमुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। आईएनएस इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह का प्रताप आईएनएस इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। आज आईएनएस इम्फाल की कमिश्निंग के शुभ अवसर पर बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। अमित शाह ने ली बीजेपी बंगाल कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कोलकाता पहुंचे हैं केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दोनों वहां पर पहुंचे। अमित शाह ने बीजेपी बंगाल कोर कमेटी की बैठक ली है कि आखिर बीजेपी को बंगाल में किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल में चुनाव बीजेपी जीत सके। तो देखिए, बीजेपी का मिशन बंगाल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन बंगाल के लिए बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कोलकाता के दौरे पर खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे कोलकाता। अमित शाह ने ली बीजेपी बंगाल कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश के कई नेताओं से दोनों ने मुलाकात की है। गुरुद्वारा 12 सिख संगत का दौरा कर टेका मत्था। कालीघाट मंदिर के भी दर्शन किए हैं दोनों ने। कई फ्रंटल संगठनों के साथ भी बैठक हुई है। बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा कि इन 35 सीटों पर आखिर क्या ऐसा एजेंडा या प्रोपोगेंडा तैयार करती है बीजेपी कि बंगाल में भी जीत बीजेपी को मिल सके। 35 सीटों का टारगेट है और 35 सीटों के टारगेट के साथ आखिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव में आखिर बीजेपी को कितनी जीत मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरह से टीएमसी पार्टी मजबूत है बंगाल में, ऐसे में अपनी एक जगह बना पाना बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन अब इस राह पर चलने के लिए भी
एक उपाय निकाल लिया बीजेपी ने, जिसके लिए आज मिशन बंगाल की शुरुआत भी हो चुकी है। चलो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति एमजीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की अध्यक्षता। समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ का बयान, 2030 में भारत होगा विश्व की तीसरी शक्ति, 2047 में भारत होगा विश्व गुरु। पहले भारत और आज के भारत में दिन रात का फर्क है। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाध्यापति बंडारू दत्तात्रेय ने इस दीक्षांत समारोह में शिरकत की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा इस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है। बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय पर यह बड़ी बैठक आयोजित की गई। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव पर जो अंदर मंथन हुआ है, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। इससे पहले 5 दिसंबर को हुई थी कैबिनेट बैठक। बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार कैबिनेट की ये बैठक काफी खास इसलिए भी रही क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में ये बैठक हुई और कई अहम फैसलों पर मोहर भी लग चुका है। इससे पहले 5 दिसंबर को हुई थी कैबिनेट की बैठक। बैठक में 23 प्रस्तावों पर उस दौरान मोहर लगी थी। सरदार हरदीप सिंह पुरी तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में मत्था टेकने पहुंचे और सभी लोगों की भले की अरदास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना की पावन धरती से साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह के धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करते हुए वीर बाल दिवस पर धन्यवाद व्यक्त किया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नांदेड़ के पास ट्रेन में लग गई आग। पूना पड़ली पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई ये घटना। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी पूना पर्ची रेलवे की एक बोगी में अचानक से आग लग गई। ये घटना आज सुबह की बताई जा रही है। बता दें कि इस आग में एक बोगी पूरी तरह से जलकर
खाक हो गई, लेकिन ये बोगी पूरी तरह से खाली होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। उसी वक्त रेलवे प्रशासन की मदद से नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब भी रेलवे अधिकारियों की ओर से चुप्पी साधी गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन की जांच के बाद आग का कारण स्पष्ट हो जाएगा। कानपुर में गोली लगने से एक सिपाही की मौत हो गई। दरअसल सिपाही एक हिस्ट्री शीटर के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गया था, तभी उसी हिस्ट्री शीटर ने सिपाही सचिन को गोली मार दी, जिसके बाद कानपुर में इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। बता दें कि सिपाही 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ था। वहीं कन्नौज पुलिस लाइन में सिपाही को सलामी दी जाएगी। तो वहीं डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद के बयान पर डिंपल यादव की सफाई, ये विचार समाजवादी पार्टी के नहीं है। डिंपल यादव ने ये कहा, पार्टी नहीं करती है स्वामी प्रसाद के बयान का समर्थन। हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया था धोखा, जिसको लेकर डिंपल यादव ने साफ कहा, स्पष्ट कहा कि इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बिहार में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर के बाद जनता दल नेता केसी त्यागी से हमारे संवाददाता कंचन कनोडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, ऐसी जानकारी सुनने में आ रही है कि ललन सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है, क्या सच्चाई है इसमें? आपके समाचार पत्रों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए ये समाचार मेरे तक पहुंचा है। मुझे इस विषय में ना कोई जानकारी है और ना मैं इसकी पुष्टि करता हूं। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी बैठक 29 तारीख को होने जा रही है, तो उसमें क्या क्या डिसीजन होने वाले हैं, किस तरीके की बैठक रहेगी? नहीं, सुनने में नहीं आ रहा है, ये कन्फर्म है कि 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर बाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू के फैलाव के लिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के विषय पर विचार किया जाएगा। सर, कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि वो बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो 9 सीटों पर ही लड़ेगी। इस पर क्या पूरी इंडिया गठबंधन पे क्या चर्चा रहेगी, क्या ये गठबंधन के अंदर की गुप्त बातें हैं, गोपनीय बातें हैं? अगर किसी ने इस तरह का वक्तव्य दिया है तो वो गलत है। ये बैठ करके आंतरिक बैठक में तय किया जाएगा, सार्वजनिक स्थल पर नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी सीटों का बंटवारा है उस पर अभी कुछ भी कहना ही गलत होगा, ये केसी त्यागी जी का कहना है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।